आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन यह पगड़ी खुलेगा। उनको अयोध्या जाकर अपना सर मुड़वाना पड़े तो मैं मुड़वाने के। सम्राट चौधरी का पगड़ी खोलने का दिन तय कर लिया गया है। आपको हम बता दें कि 2 से 3 जुलाई को सम्राट चौधरी अपना पगड़ी खोलेंगे और बाल का मुंडन जो है वो अयोध्या में करवाएंगे। आपको हम बता दें कि सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधते समय कहा था जब नीतीश कुमार को हम सत्ता से बेदखल कर देंगे तब यह पगड़ी को उतारेंगे। नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर बर्बाद करने के बाद ही हम इस पगड़ी को खोलेंगे। लेकिन आपको हम बता दें जब फिर से गठबंधन हुआ और जदयू और बीजेपी जब मिलकर बिहार में सरकार बनाई उसके बाद सम्राट चौधरी ने बयान दिया था कि हम अयोध्या में जाकर के इस सब पगड़ी को खोलेंगे और अपने बाल का मुंडन जो है वो करेंगे और भगवान राम के चरणों में इसको अर्पित कर देंगे। तो आपको हम बता दें कि बड़ी खबर ये सामने आ रही है, सम्राट चौधरी अब अपने बाल का मुंडन करवाने का दिन जो है वो तय कर चुके हैं। 2 से 3 जुलाई को बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी मुंडन करवाने के लिए अयोध्या जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि उनकी पगड़ी को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था जब उन्होंने बयान दिया था कि हम पगड़ी तभी खुलवाएंगे जब नीतीश कुमार को हम सत्ता से बेदखल कर देंगे। उस पर नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी और बहुत सी ऐसी बातें थी जो निकलकर सामने आई थी। लेकिन सम्राट चौधरी अपने बयान पर अटल थे। उनका साफ तौर पर मानना था गठबंधन से पहले कि जब तक नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर हम बर्बाद नहीं कर देते हैं, तबाह नहीं कर देते हैं, तब तक हम इस पगड़ी को नहीं खोलने वाले हैं। लेकिन जैसे ही गठबंधन होता है जदयू का और बीजेपी का, नीतीश कुमार के साथ वो जब डिप्टी सीएम बन जाते हैं तो उनका बयान जो है वो बदल जाता है। उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारी माँ के मरने के पश्चात हमने यह कसम खाई थी और पगड़ी बांधी थी कि हम जब तक नीतीश कुमार का राजनीतिक पतन नहीं कर देंगे तब तक इस पगड़ी को नहीं खोलेंगे। हमारी दूसरी माँ बीजेपी जब जिस प्रकार सत्ता में आ गई है इसको लेकर के अब हम पगड़ी खोलने का दावा कर रहे हैं। हम अयोध्या जाकर के इस पगड़ी को खोलेंगे और बाल का मुंडन भी करवाएंगे। तो हम बता दें उन्होंने यह दावा 4 महीने पहले लगभग किया था। अब वो 2 से 3 जुलाई को अपनी पगड़ी को खोलेंगे भी और मुंडन भी करवाएंगे। तो जिस प्रकार से उनका बयान सामने आ रहा था गठबंधन से पहले कि नीतीश कुमार को बर्बाद करने के बाद ही हम पगड़ी को खोलेंगे और विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा था, साफ तौर पर लोगों का मानना था कि नीतीश कुमार को बर्बाद करने के बाद ही सम्राट चौधरी अपने पगड़ी को खोलेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी ने पगड़ी खोलने का जो ऐलान है वो कर दिया है। 2 से 3 जुलाई को सम्राट चौधरी अपने पगड़ी को खोलेंगे और जो शपथ लिए थे उसको बिना पूरा किए ही उसको वो तोड़ देंगे। आपको हम बता दें सम्राट चौधरी ने प्रण लिया था कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के बाद ही हम इस पगड़ी को खोलेंगे। लेकिन अब बिना बेदखल किए ही नीतीश कुमार के साथ काम करते हुए सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी को खोलेंगे भी और मुंडन भी करवाएंगे। उन्होंने ऐसा दावा किया है कि 2 से 3 जुलाई को वो अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या जाने के बाद बालों का मुंडन करवाएंगे, पगड़ी भी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।